प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग जिस प्यार समय से मेरे वीडियो को प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके धन्यवाद। आज आपके लिए एक अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सूर्य बुध केतु की कुंडली में सूर्य बुध केतु का प्रत्येक भाव में कैसा खेलता खेल, जिसके लग्न में सूर्य बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उन्नति नहीं करता। जिसके कुंडली में लग्न से दूसरे भाव में सूर्य बुध केतु की युक्ति, ये बुद्धिजीवी होते हैं, समझदार होते हैं, मगर सफल नहीं हो पाते। जिसकी कुंडली में लग्न से तीसरे भाव में सूर्य बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता का सुख कम पाते हैं, भाई बंधुओं से सुख कम पाते हैं, इनको माता पिता से अच्छी सम्मान नहीं, इज्जत नहीं मिलती। जिसके कुंडली में लग्न से चौथे भाव में सूर्य बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग पारिवारिक समस्याओं में रहते हैं, उन्नति नहीं कर पाते हैं, आर्थिक परेशानियों में। जिसके कुंडली में लग्न से पांचवें भाव में सूर्य बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, अच्छा लाभ देते हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से छठवें भाव में सूर्य बुध केतु की युक्ति, ये शत्रुओं से परेशान रहते हैं, पारिवारिक केस मुकदमा डरते हैं और कभी कभी जेल जाने की संभावना बढ़ती है। जिसके कुंडली में सातवें भाव में सूर्य बुध केतु की युक्ति, लड़का और लड़की इच्छा अनुसार शादी नहीं होता, इनका पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब रहता है और परिवार के चलते केस मुकदमा भी लड़ना पड़ता है। जिसके कुंडली में आठवें भाव में सूर्य बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग उदर रोग से पीड़ित रहते हैं, पेट के रोग से पीड़ित रहते हैं, आँख के बीमारी से पीड़ित रहते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में सूर्य बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग इच्छानुसार उन्नति करते हैं, छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, अच्छी इज्जत और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में सूर्य बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग कर्जदार हो जाते हैं, इनकी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद होती है, ये न नौकरी में सफल होते हैं न व्यवहार। इसकी कुंडली में ग्रह में भाव में सूर्य बुध केतु की युक्ति हो, ये पूर्ण रूप से धनवान होते हैं, विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं और सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। जिसके कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में सूर्य बुध केतु की युक्ति हो, ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं, ऐसे लोग के चौथे पंद्रह छः जाते हैं, ऐसे लोग जीवन में पूर्ण सफल रहते हैं, इनके संतान भी योग्य। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने इसको सुनिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न तो मुझसे करिएगा। नमस्कार।